व्यूअर्स, मैं हूँ रहीम जान और आप देख रहे हैं क्लिक साइंस। आज जो है वो रूटीन से हटकर हम एक यूनिक सर्किट की तरफ आएंगे और आज का जो हमारा सर्किट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ड्राइंग। स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो बड़ी रंगीन होती है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि ड्राइंग जो है वो तालीम के ग्राफ को बुलंदी तक लेकर जा सकती है, बशर्ते कि स्टूडेंट्स की और साथ जो साथ जगह की अगर अप्रोच जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी आप उतनी ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट को जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ड्राइंग जो है बुनियादी तौर पर अगर ठीक रंगीन सब्जेक्ट है लेकिन एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह साइंस की अपनी बुनियादें हैं इसी तरह ड्राइंग को आप नकल नहीं कर सकते, इसकी भी अपनी बेसिक्स हैं। अगर स्टूडेंट्स को बेसिक्स समझाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि एक स्टूडेंट अच्छा आर्ट का मास्टर न बन जाए। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो आप जो है स्टूडेंट के अंदर जो है वो ड्राइंग की दिलचस्पी जो है वो बढ़ा सकते हैं। आज हम यहाँ पे एक छोटी छोटी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि सर्कल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने इर्द गिर्द की बहुत सारी अशिया को कैसे बना सकते हैं। आमतौर पर स्कूलों में इसाजा जो है वो बच्चों को फ्रूट्स की या मुख्तलिफ सब्जियों की या परिंदों की जो है वो ड्राइंग्स करवाते हैं, तो वजह से कि अगर हमें किसकी डायरेक्ट ड्राइंग स्टूडेंट्स को बताएं, अगर हम उसको उनकी बेसिस के हवाले से बताएं तो स्टूडेंट्स बहुत ही मुस्बत रिस्पॉन्स देते हैं। तो आज जो है हम सर्कल को इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्कल के इस्तेमाल के ज़रिए चंद बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले सर्कल को इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं आप जो है एक बड़ा सर्कल लगाएं और इस बड़े सर्कल के सेंटर में नीचे एक छोटा सर्कल लगाएं। दोनों सर्कल लगाने के बाद आप जो है इस बड़े सर्कल के आउटर साइड को छोटे सर्कल के आउटर साइड के साथ क्या कर लें, मिला दें। यहां मिलाने के बाद आप जो है इस जानिब से बड़े सर्कल के आउटर साइड को अंदर की तरफ लेकर जाएं और छोटे सर्कल के साथ मिला दें और यहां से इसे थोड़ी सी शेप दे दें। शेप देने के बाद आप एक्स्ट्रा लाइनों को रब कर दें। जब एक्स्ट्रा लाइनें आप रब कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आम की एक शेप जो है वो क्या होगी, मिल जाएगी। इस तरह बजाय इसके कि हम जो है एक डायरेक्ट तरीके से आम की जो है शक्ल बनाएं जिसमें आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इस छोटी सी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप एक आम को आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह इसी दायरे को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। हमने एक मुनासिब साइज का दायरा लगा दिया। दायरा लगाने के बाद आप यहां पे एक दूसरा दायरा लगा दें, छोटा सा दायरा लगाने के बाद अब आप यहां पे कर्व लाइंस दोनों तरफ लगाते जाएंगे। उम्मीद है आपके जहन में आ रहा होगा कि हम किस चीज़ की ड्राइंग कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे जो है वो खरबूजा बनाने जा रहे हैं। इसके बाद क्या कर दें, इस बाउंड्री लाइन को आप जो है वो रब कर दें। बाउंड्री लाइन को रब कर देने के बाद आप जिसे जो है वो शेप दें। शेप देने के लिए इसको आप जैसे क्या कर दें, गोलाई दे दें। इस तरह इन लाइनों को गोलाई देते हुए नीचे की तरफ आते जाएं। जब नीचे की तरफ आते जाएंगे आप जो है देख सकेंगे कि इंतहाई आसानी के साथ हमने एक अदद जो है वो खूबसूरत खरबूजा जो है वो क्या कर लिया, हासिल कर लिया। इसी तरह तीन दायरे लगा दें, यही जो हमने ऊपर टेक्निक इस्तेमाल किया है। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, छोटे दायरे को ऊपर कर दें और बड़े दायरे को जो है वो क्या कर दें, नीचे कर दें और इनको बाहर की जानब जो है वो क्या करें, बढ़ा दें।
ठीक, पढ़ाने के बाद अंदर से लाइनें जो है वो रफ कर दें। आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो नाशपाती की शेप जो है वो क्या कर ली है, हासिल कर ली। लिहाजा इस तरीके से आप आसानी के साथ देखो नाशपाती बना सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स कर दें, एक दायरा लगा दिया, दायरा लगाने के बाद इसके तीन हिस्से एक तरफ कर दें और एक हिस्से इस तरफ कर दें, सीधी लाइन लगा दें। लाइन लगाने के बाद यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह दायरे का इस्तेमाल करते हुए हम इंतहाई आसानी के साथ एक खूबसूरत जो है वो पैरेट की शेप हासिल कर सकते हैं। पैरेट की जो है वो बॉडी बनाने इंतहाई आसान है, इसकी जो फेस की जो शेप है ये कदर मुश्किल है, जो हम एक सर्कल के जरिए क्या कर सकते हैं आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह चंद ही जो है वो इसकी लाइन लगाकर हमने एक पैरेट बना लिया। इसी तरह आप देख सकते हैं मैं जो है वो ज्योमेट्री की और अशकाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल इस्तेमाल किया, इस ट्रायंगल को मैंने बढ़ाया और एक दूसरी ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा, इस ट्रायंगल के ऊपर यहाँ मैंने एक दूसरी ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल को फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः छोटे छोटे ट्रायंगल मैंने इसको तकसीम कर दिया और यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, सर्कल लगा दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो वाइट ट्रायंगल है इसके बैक साइड पे एक हाफ सर्कल लगा दिया, एक हाफ सर्कल यहाँ लगा दिया और एक हाफ सर्कल यहाँ लगा दिया। अब जो है यहाँ पे दो राउंड शेप्स बना दी, अब क्या करें इसको इसके साथ मिला दें और इसको थोड़ी सी शेप दे दें। व्यूअर्स आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं, इस तरह बेसिक्स सिखाकर हम किसी भी चीज की जो है वो ड्राइंग आसानी से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये हमने जो मुर्गा बना दिया, उम्मीद है आपको टेक्निक्स अच्छी लगी होगी। घर में अपने बच्चों के साथ और स्कूलों में अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ जो इसकी मशक है ठीक हो गया।